अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। और अभी अभी बिल्कुल मैंने व्लॉग एंड करा है क्योंकि मैं रात में सो गया था, इस वजह से देर से एंड करा। तो अब मैं सो जाता हूँ, अभी भी सोऊंगा तो मिलता कुछ नहीं। तो गाइस मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर शोर की आवाज़ आ रही थी, मैंने देखा चलो आओ चलो देखते हैं। ऐसे खोलेंगे जान लगे थोड़ा, देख लिया कुछ भी नहीं होता, अल्लाह कुछ अगर सब सही है। और सुबह का व्यू आपको मैं दिखाई देता हूँ। चेक करें आप मौसम, फुल टाइट मौसम होता है सुबह का, तो भाई खतरनाक। हम बाहर चलते हैं, अभी देख सकते हैं आप, गली में कोई भी नहीं है। तो ये सीन था गली में, और आपको दिखाता हूँ बिल्लियाँ जहाँ बैठी हुई है ना, वहाँ जो घर वाले अंकल जो हैं उनको गोश्त देते हैं ना, गोश्त देते हैं इस वजह से बैठी हुई, सुबह ही सुबह देते हैं ना, जब अंकल आएंगे तो वो गोश्त आएंगे। और इसके इनका अलग आप देख ही सकते हैं क्या हुआ हुआ है, बिल्कुल ही टूट गया। अब ये इसका नट वट गायब हो गए, बस वो जोड़ेंगे, अब नट ही नहीं मिल रहे। तो आप ये चलते हैं नीचे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे सोने के बाद, क्योंकि आज पेपर भी है ना। आज दिखा रहा हूँ मैं आपको अपना रजिस्टर। ये देखें, पहले तो शुरू की हालत आप देख सकते हैं, मंगल एक पेज भी फटा हुआ है, देखें कि लिखा हुआ आ गया। हालांकि भाई सब सही लिखा हुआ है, ओके है, सब डन है, डायग्राम भी अच्छी बनी हुई है। अब मिस बोल रही है अब दोबारा से बनाओ, ये सब करो वो करो, अभी तक देखे नहीं बनाई है मैंने, अब देखते हैं क्या होता है। तो आज पेपर भी है, देखते हैं क्या होता है, ऐसी कुछ हालत थी। और प्रैक्टिकल भी देना है, नंबर भी है ना यार। तो मैंने फिर कल रात में बैठ के सारा काम भी करा, रात में ट्यूशन से आने के बाद, क्योंकि कल गाड़ी साहब आए थे, फिर कार्य साहब जैसी गए, जैसी बैठ गया, उसके बाद जैसी काम हुआ ना, मतलब डायग्राम ही तो बनानी थी सिर्फ, है ना, वो भी मैंने नहीं बनाई। तो डायग्राम ही तो नहीं बनाई मैंने, और तो मेरे भाई ने बनाई, क्योंकि भाई मुझे डायग्राम का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, आर्ट तो शौक ही नहीं है। तो अभी टाइम आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो 11:10 हो रहे हैं इस वक्त। तो अभी रेडी होते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, और नाम वगैरह भी लिखना है, मैंने नया ख़रीद लिया था वो प्रैक्टिकल कॉपी, तो ये मैंने चेंज कर दिया, एक बिल्कुल उसकी हालत ख़राब हुई हुई ना, उसकी हालत सही है, मैं आपको दिखा दूँगा पूरा काम, सही लिखा विखा टेबल वगैरह, तो बस इसमें नाम लिखने की देर है। तो सब करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मैं रेडी हो चुका हूँ, और क्योंकि शोर के बाद सारी होगी तो कम आवाज़ सारी होगी, उसके लिए सॉरी, पर काम हो रहा, अब क्या कर सकते हैं यार। तो रेडी हो चुका हूँ बस अभी, और अभी टाइम तकरीबन 11:46 हो रहा है, सब चीज़ें हो गई हैं फाइनली, अब देखते हैं क्या होता है, कितने नंबर आते हैं वो तो उस वक्त तो बताएंगे नहीं, सिर्फ वेरीफाई होगा बस, पेपर है आज, देखते हैं क्या होता है। 12:30 बजे निकलूँगा, तो अभी थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं स्कूल से आने के बाद, ठीक है। मैं स्कूल से आ चुका हूँ, रेडी भी हो चुका, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। मैं रेडी हो चुका हूँ, और बस अभी ट्यूशन जाऊँगा, ट्यूशन से जब आएंगे तब मिलते हैं आपसे। ऊपर चलते हैं मुर्गों को दाना देने, लड़को तो ये अभी गिरता, नींद भी काफ़ी आ रही है, बहुत एवरेज मान भी नहीं है। तो सबसे पहले हम दाना देंगे, और फिर वही 15 मिनट के वक्फे के बाद फिर देंगे पानी। और अभी मैच चल रहा है कराची किंग्स वर्सेस PSL, जो है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर, नहीं लाहौर कलंदर नहीं, मुल्तान सुल्तान, लाहौर का तो पेशावर के साथ है आज। अभी रात में ये वाला मैच जैसे ही ख़त्म होगा ना, तो वाला मैच स्टार्ट हो जाएगा, टॉस होगा, उसके बाद तो वक्फा मिनट होता है ना मतलब। और अभी दाने देते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अपना पोपट हो चुका है दोबारा से, ये देख सकते हैं आप, ये होल्डर ही निकल गया,
तो आप टॉर्च लाइट में ही इनको दाना पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें अब ये अंदर नहीं जा रहा और मुझे करंट भी लग सकता है। देखा पिचकारियाँ निकली और ये करंट लग सकता है मुझे, रिस्क नहीं लूँगा मैं। तो पहले नीचे जाता हूँ, प्लग बंद करते हैं फिर मिलते हैं। ख़राब हो चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन हुआ है। हाँ तो भाई आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ जो है ना पूरा ये निकल गया है। तो अब ये जुड़ेगा और करंट भी लग सकता है, इस वजह से मैं ये हरकत नहीं कर रहा। कि देख सकते हैं ये पूरा आप निकल चुका है ये, और अर्थ करंट जो पहले आ रहा था वो भी नहीं आ रहा आप। तो मुर्गों का दाना पानी अब ऐसे ही देना पड़ेगा। अब मोबाइल गिर गया था मेरे हाथ से, तो अब सीन देखते हैं क्या करते हैं। दाना तो दे चुका हूँ और बस अब पानी देना, पानी किस तरह से देंगे अब ये सोच रहा हूँ मैं। तो जुगाड़ करते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइड्स अब पता नहीं क्या सीन है, क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखें सेन तो अब नेटवर्क तो मिल नहीं रहे, मैंने इधर ऊपर आके रख दिया और रिंग लाइट नीचे। तो अब नया लेकर आऊँगा मैं, देखते कब तक लेकर आता हूँ। और बस मिलता है आपको जब मैं दोबारा ऊपर आऊँगा पानी देने। ठीक है नया बल्ब लेकर आ रहा हूँ, तो मजबूरन लेकर आया हूँ नया बल्ब। क्या कर सकते हैं यार, वो पूरा ख़राब हो गया, तार वार सब निकल गया है। अभी लाइट चलाते हैं, अब पता नहीं ये जलती भी है या नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है। तो बल्ब लगाते हैं, ये निकालते हैं। तो पहले तो इसको निकालेंगे ना जाके, लेट्स सी। तो ये देखना ये अंदर तार ही फंस गया है, तो ये होल्डर ही गया। अब चेक करते हैं ये लगता भी है या नहीं, तो लगना तो चाहिए। अब मैं इलेक्ट्रिशियन तो हूँ नहीं, जो लगा लूँ मैं। गाइस ये होल्डर ही ख़राब हो गया है, मैं फिर भी जलवाता हूँ। फाइनली मुर्गों को दाना दे दिया है, टॉर्च की लाइट से दिया है। अब क्या कर सकते हैं यार, अब ये भी नहीं लग रहा, होल्डर ही ख़राब हो गया। अब कल होल्डर वाले को बुलाएंगे, अब वो सही करेगा। होल्डर के अंदर से वायरिंग होती है ना, वो निकल गई है पूरी। अब मैं तो इलेक्ट्रिशियन हूँ नहीं, बस ये कर लेता हूँ कि अगर बल्ब कोई ख़राब हो ना तो मैं उसको सही कर लूँगा। लेकिन होल्डर जो है ना, होल्डर में थोड़ा करंट वरंट होता है, इसमें भी होता है, लेकिन ये आसानी से हो जाता है। लेकिन वो जो है ना, उसमें करंट ज़्यादा लगता है। तो आपने देखा भी होगा चमगाड़ियाँ निकली थी, तो बड़ी मुश्किलों से दे दिया, पर दे दिया दाना। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हाँ एक और बात, अभी पसंद चलो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। हाँ आपको एक और बात बतानी थी कि कराची किंग्स जो है हार गई और मुल्तान सुल्तान जीत गई है। और फिर ये पेशावर को सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पेशावर मेरी टीम फेवरेट टीम है। ईमान की कौन सी, ईमान ज़रा बताना। कराची जो कि आज हार गई मुल्तान सुल्तान से हार गई, शायद आफरीदी नहीं है यार, बेचारा इंजर्ड है वो। चलो इंशाल्लाह आज देखते हैं पेशावर जीती या नहीं, तो कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा। ये लाहौर को सपोर्ट कर रही है, हालांकि इसका ही नुकसान है, कराची किंग्स का नुकसान है। छोड़ हमें क्या करना है भाई, कराची किंग्स का नुकसान है। कराची किंग बेटा आज क्या हारी है ना, और नीचे आते रहेगी लाहौर, क्योंकि अगर देखो दोबारा जीत गए ना, लाहौर टॉप पर आ जाएगी और कराची किंग दूसरे से तीसरे पर आ जाएगी। जी बिल्कुल, अगर लाहौर जीत गए तो बेटा तू गई, किसकी हारी। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है। आज का व्लॉग एंड मैं नहीं, ईमान करेगी सब चीज़ें, ईमान बोलेगी, ईमान सब्सक्राइब को बोलती है, क्या बोलती हो, सब्सक्राइब। देखें पहले सब्सक्राइब बोलती थी, अब सब्सक्राइब बोलने लग गई है, सब्सक्राइब होता है वैसे तो। और अभी देखते कल के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि पेशावर जीती है लाहौर जीती है, तो ईमान व्लॉग एंड करेगी। तो करो भाई थैंक यू, बोलो बोलो आज के व्लॉग अगर आप, अगर आपको पसंद आया तो, अगर आज का व्लॉग आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कमेंट करें। चलो मैं बंद करता हूँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईमान को बड़ा शौक।